आज टीवी 9 भारतवर्ष आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा है, एक ऐसा खुलासा करने जा रहा है जो आज तक आपने नहीं देखा। अतीक और अशरफ कांड से जुड़ा यह सबसे नया और बड़ी साजिश का खुलासा करने वाला वीडियो है जो केवल और केवल हमारे पास है। इस वीडियो में आपको साजिश के 9 किरदार दिखेंगे, 6 को आप पहचान लेंगे, लेकिन 3 कौन है? वो 3 किरदार अनजान है। वो लोग कौन है? क्या ये लोग उमेश पाल के साथ साथ अतीक और अशरफ की हत्या से भी जुड़े हैं? ये सनसनीखेज वीडियो अब आपके सामने आने वाला है। टीवी 9 भारतवर्ष के पास अतीक कांड से जुड़ा एक बहुत सनसनीखेज वीडियो है। बड़ी खबर आपके सामने, टीवी 9 भारतवर्ष के पास अतीक कांड से जुड़ा वीडियो। टीवी पर पहली बार देखिए अतीक कांड से जुड़ा वीडियो। ये वीडियो बहुत सनसनीखेज है। एक एक करके जब एक फ्रेम दर फ्रेम आपके सामने ये वीडियो रखेंगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। 12 फरवरी के दिन बरेली जेल का ये एक्सक्लूसिव वीडियो, उमेश पाल के सारे हत्यारे वीडियो में साफ साफ दिख रहे हैं। एक एक करके जो जेल के अंदर जाते हुए ये लोग दिख रहे हैं, ये है उमेश पाल के हत्यारे। सारे हत्यारे उमेश पाल की हत्या से 12 दिन पहले बरेली जेल गए थे। ये वीडियो है उस बरेली जेल का। अशरफ से 2.25 घंटे तक उमेश पाल के हत्यारों ने मुलाकात की। ये वीडियो बहुत बड़ा खुलासा करता है, चौंकाने वाला सनसनीखेज खुलासा जो केवल और केवल टीवी 9 भारतवर्ष आपके लिए लेकर आया है। आराम से एक एक करके आप इन लोगों को देखिए। 12 फरवरी का बरेली जेल का वीडियो जहां पर अशरफ अतीक का भाई बंद था, यह वीडियो इसी साल 12 फरवरी का है। जगह है बरेली जेल। 24 फरवरी प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई थी और उससे ठीक 12 दिन पहले का यह वीडियो। यह वही जेल है जिसमें अतीक का भाई अशरफ बंद था। इस वीडियो में आपको वो सारे लोग दिख रहे हैं जिन्होंने बीच सड़क पर उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जो लोग सड़क पर उमेश पाल की हत्या कर रहे थे वो सारे लोग इस वीडियो में दिख रहे हैं। ये सारे बरेली जेल के अंदर जा रहे हैं। ये वीडियो, ये सीसीटीवी फुटेज बरेली जेल के अंदर का है। बरेली जेल के अंदर जाते हुए दिख रहे हैं लोग। और टीवी 9 भारतवर्ष के पास अतीक कांड से जुड़ा एक बहुत बड़ा वीडियो। बरेली जेल के वीडियो में कुल 9 लोग साफ साफ दिख रहे हैं। 9 लोगों में से 6 की पहचान है, लेकिन 3 अनजान लोग भी इसमें हैं जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। सारे लोग अशरफ से मिले और बरेली जेल में ही क्या हत्या की आखिरी साजिश रची गई? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये वो लोग हैं 3 जो अतीक और अशरफ की हत्या में भी शामिल हैं? हत्या की साजिश का वीडियो, सनसनीखेज खुलासा, अतीक और अशरफ की हत्या का भी क्या इससे कोई कनेक्शन है? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा लेकर आया है टीवी 9 भारतवर्ष। इन सारे लोगों ने अशरफ के साथ मिलकर उमेश पाल की हत्या की साजिश की फाइनल स्क्रिप्ट लिखी थी। ये सभी लोग अशरफ से मिले, वही तय हुआ कौन क्या करेगा, कौन बम चलाएगा, कौन गोली चलाएगा, कौन साइड से गोली मारेगा, कौन सामने से गोली मारेगा, कौन दुकान में इंतजार करेगा, कौन बाइक चलाएगा, कौन गाड़ी चलाएगा, सब कुछ इसी 12 फरवरी को बरेली जेल में तय हुआ। और उसी दिन का ये एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो आज आप टीवी पर पहली बार देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। पीसीआर जरा मुझे बिग वॉल पर दीजिए, जरा आपको आइए बिग वॉल पर, मैं फ्रेम दर फ्रेम समझाता हूं। यहां पर आपको एक एक शख्स के बारे में जानकारी देता हूं, तब आपको समझ में आएगा। देखिए आपको एक एक करके ये वीडियो दिखाते हैं। ये सदाकत जो कि साजिश में शामिल था, ये शुरू से चलाइए पीसीआर, इसको शुरू से चलाइए, शुरू से ये वीडियो चलाते हैं। देखिए यहां ये लोग आए, ये पुलिस वाला इनको लेकर आते हुए दिख रहा है। ये शख्स गुलाम हसन शूटर जो मारा गया झांसी में, नंबर 1। नंबर 2, ये शख्स जो गुड्डू मुस्लिम है, बमबाज, अभी तक फरार है, पुलिस को जिसकी तलाश है। नंबर 3 देखिए, ये यहां पर उस्मान शूटर, ये पुलिस ने इसको भी ढेर कर दिया। ये इसके बाद देखिए नंबर 4, असद अहमद, अतीक का बेटा, ये भी पुलिस ने पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया, असद, आपको मालूम है झांसी में। उसके बाद देखिए ये शख्स कौन है, ये जो शख्स आ रहा है इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही कि आखिर ये शख्स है कौन। इसके बाद अरमान, ये वो है जो कि गुड्डू मुस्लिम की बाइक चला रहा था और फरार बताया जा रहा है। इसके बाद देखिए आप यहां पर ये सारे लोग जो यहां पर आए हैं, सवाल है कि ये लोग आखिर 12 तारीख को, ठीक 12 दिन पहले वहां करने क्या गए थे। मेरे हाथ में जो ये कागज देख रहे हैं आप, ये एक और बड़ी खबर है, ये भी मैं आपको बताऊंगा।
ये एक और चौंकाने वाला मामला है, लेकिन उस पर बाद में आएंगे। पहले ये वीडियो देखिए, एक एक करके ये वीडियो देखिए। ये शख्स कौन है? हाफ जैकेट, इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। ये लाल हाफ जैकेट में कौन है? इसके बाद देखिए, ये शख्स लाल टी शर्ट कौन है? ये वो तीन लोग कौन है? इसके बारे में भी नहीं पता। ये सफेद जैकेट या सफेद कोट पहने शख्स, ये कौन है? इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। तो नौ लोग जो आए हैं, देखिए आपको ये, हम आपको ये यहां पर बिग वॉल पर एक बार फिर से आते हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा रहे हैं, मामला क्या समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए आप। ये 12 फरवरी का बरेली जेल का वीडियो बहुत बड़े सवाल उठा रहा है, आप ध्यान से देखिए। इसमें तीन लोग ऐसे हैं जो गुड्डू जो वहां पर अशरफ से मिलने गए, लेकिन इनका क्या रोल है, ये क्या कर रहे थे, क्या इनका अशरफ और अतीक की हत्या से भी कोई कनेक्शन है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ध्यान से एक एक करके फिर से ये पूरा वीडियो आप देख लीजिए। देखिए ये जो तीन लोग हैं, सफेद कोट, लाल टी शर्ट और हाफ जैकेट, ये तीन लोग कौन हैं? क्योंकि इनके बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। सवाल है कि ये जो लोग आए, देखिए बहुत बड़े सवाल हैं, उत्तर प्रदेश के जेल प्रशासन पर सवाल हैं, यहां पर ये पुलिस व्यवस्था पर बहुत बड़े सवाल हैं। लेकिन जो ये हत्या वाले दिन यहां पर जो लोग यहां पर उमेश पाल की हत्या में शामिल थे, वो 12 दिन पहले बरेली जेल जाते हैं और बहुत आसानी से एक्सेस मिल रहा है इनको, बहुत आसानी से ये जा रहे हैं। नौ नौ लोग एक कैदी से मिलने कैसे चले जाते हैं, पहला सवाल। और फिर यहां पर ये देखिए पुलिस वाले इनको लाते हुए दिख रहे हैं, पुलिस वाले यहां पर साफ साफ, जैसे यहां पर वीडियो में ऐसा दिख रहा है जैसे लग रहा है पुलिस वालों को सब पता था ये लोग कौन है। ये देखिए ये शख्स कौन है जो हम आपको दिखा रहे हैं, आखिर ये शख्स कौन है? ये लाल जो टी शर्ट वाला शख्स है ये कौन है? ये सफेद जैकेट वाला शख्स है ये कौन है? क्या इन तीन लोगों की हत्या, इन तीन लोगों का कनेक्शन अतीक और अशरफ की हत्या से भी है? ये कुछ बहुत बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं। एक बार फिर से बता दूं आपको, ध्यान से देखिए, बहुत आसान, आराम से देखिए, एक एक करके देखिए। ये 12 फरवरी का वीडियो है, उमेश पाल की हत्या से 12 दिन पहले का बरेली जेल का वीडियो है, और ये 9 लोग, जिसमें अतीक अहमद का बेटा असद भी है, जिसमें गुड्डू मुस्लिम भी है, जिसमें उस्मान भी है, ये लोग एक एक करके बरेली जेल में आ रहे हैं और वहां पर 2-2.5 घंटे रुके हैं, 2-2.5 घंटे मुलाकात की अशरफ से, और वहीं पर अशरफ से मुलाकात में जरूर उमेश पाल की हत्या का ताना बाना बुना गया। और उसके बाद देखिए आपके सामने तस्वीरें, केवल और केवल टेलीविजन पर जो लेकर आया है वो टीवी नाइन भारतवर्ष लेकर आया है। मेरे साथ देखिए हमारे तमाम संवाददाता, विनय रघुवंशी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पुनीत मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पंकज झा हमारे रोविंग एडिटर जुड़ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 मुखिया जो रह चुके हैं फॉर्मर डीजीपी, आपके साथ विक्रम सिंह जी भी दिख रहे हैं आपको, और एके जैन आपको दिख रहे हैं। सर आप दोनों का बहुत स्वागत है, लेकिन सबसे पहले मैं विनय आपके पास आऊंगा। विनय, ये सीसीटीवी फुटेज बहुत ज्यादा बड़े सवाल खड़े करता है, अतीक अहमद की हत्या, अशरफ की हत्या, उससे भी इसका कनेक्शन है क्या, इस पर भी आएंगे। लेकिन उमेश पाल के मर्डर से 12 दिन पहले बरेली जेल के अंदर एक एक करके इन तमाम अपराधियों का जेल के अंदर जाना, जरा ये पूरा मामला बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए बिल्कुल, मैं बारीकी से एक एक चीज समझाऊंगा। ये 12 फरवरी की ये जो सीसीटीवी है ये जेल के अंदर की है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर 9-9 लोग एक साथ जेल के अंदर किस तरह से जा रहे हैं, ना कोई चेकिंग हो रही है, ना ही इनकी कोई आइडेंटिफिकेशन चेक की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक साथ 9 लोग जा रहे हैं, इन 9 लोगों में 6 लोग वो हैं जो 24 फरवरी को धूमनगंज के सुलेमसराय में उमेश पाल की हत्या दिन दहाड़े गोलियों और बम से किए हैं, ये वो 6 लोग जो है दिख रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की भी लापरवाही है और ये सभी लोगों का एक साथ जाना। मगर सबसे सवाल ये उठता है कि ये 3 लोग आखिर कौन है जिनकी अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है, कि आखिर ये लोग वैसे लोग तो नहीं जो 24 फरवरी को घटना के दिन बैकअप दे रहे हो, यानी कि वो पीछे से इंतजार कर रहे हो कि अगर कहीं से भी इन 6 लोगों को असफल होते हैं तो पीछे से इनको बैकअप दिया जाए। ठीक है विनय, बिल्कुल ये लोग कौन है ये तो मिस्ट्री है ही, लेकिन उसके अलावा भी कुछ बहुत बड़े सवाल है इस वीडियो में। इस वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं उन्होंने हत्याकांड के दिन किस तरह वारदात को अंजाम दिया था, आपको ये 2 विंडो में दिखाते हैं, ये वीडियो दिखाते हैं आपको, जो लोग 12 फरवरी के दिन उस वीडियो में दिख रहे हैं बरेली जेल में, और 24 फरवरी को प्रयागराज में जब उमेश पाल की हत्या हुई थी तब इन्होंने जो वहां पर इस वीडियो में इनका फुटेज सामने आया था। ये देखिए उस्मान को आप देख रहे हैं जो दुकान में वेट कर रहा था, ये 12 फरवरी के दिन सबसे आगे दिख रहा है आपको, चश्मा लगाए हुए काली जैकेट में। इसके बाद गुड्डू मुस्लिम नंबर 2 पे इस लाइन में दिख रहा है, और वो देखिए 24 फरवरी को वो किस तरह से यहां बम फेंक रहा था, और गुड्डू मुस्लिम तो इस वक्त सुर्खियों में छाया हुआ है, पुलिस को उसकी तलाश है। अब देखिए यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं
असद, असद की फुटेज भी उस दिन सामने आई थी। 12 फरवरी को वो अपने चाचा अशरफ से मिलने गया और असद 24 फरवरी की उमेश पाल की हत्या वाले के दिन उस सीसीटीवी फुटेज में फायरिंग करते हुए सामने आया था। तो ये देखिए, इन दो फुटेजेस को, इन दो तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश बरेली जेल में रची गई, जहां पर अतीक का भाई अशरफ बंद था और वहां पर ये 9-9 लोग, जिसमें गुड्डू मुस्लिम, जिसमें असद, जिसमें उस्मान, जिसमें सदाकत, जिसमें अरमान, ये सब लोग शामिल हैं, ये असद से मिलने गए थे। क्या इनका कनेक्शन अतीक और अशरफ की हत्या से भी है? मैं जल्दी से पुनीत आपके पास आऊंगा। पुनीत, ये बहुत बड़ा हो गया है मामला और इसमें अब उत्तर प्रदेश पुलिस पर जिस तरह से अतीक और अशरफ की हत्या के बाद सवाल उठे थे, एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं यहां पर। 9-9 लोगों को आपने जेल में मिलने दिया है अशरफ से? बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से 24 फरवरी को इस हत्या को अंजाम दिया गया, कहा जा रहा था कि अतीक अहमद ने इस हत्या की प्लानिंग रची है और इसमें अशरफ का कोई हाथ नहीं है। लेकिन ये वीडियो जिस तरीके से 12 फरवरी का बरेली सेंट्रल जेल का सामने आया है, जिसमें वो 6 लोग खासतौर से नजर आ रहा है, 9 लोग गए थे लेकिन 6 लोग जिनकी पहचान हुई है, ये 6 लोग वो हैं जो इस शूटआउट में शामिल थे, जिनमें कि अतीक अहमद का बेटा असद भी है, गुड्डू बमबाज भी है, अरमान भी है, सदाकत भी है और इसके अलावा गुलाम भी है। गुलाम एनकाउंटर में मारा गया, असद के साथ ये दो लोग मारे जाते हैं। यानी कि साफ बात ये है कि जिस तरीके से 24 फरवरी को हत्या को अंजाम दिया गया, ठीक 12 दिन पहले उसकी पूरी प्लानिंग बरेली सेंट्रल जेल में फाइनलाइज की गई, सभी को ये जिम्मा सौंपा गया था। पुनीत, पुनीत, हमारे दर्शकों को मैं बता दूं, मेरे हाथ में इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर है, एक और बहुत बड़ी खबर है। मैं अभी इस खबर को खोल नहीं रहा हूं, अभी इस खबर को खोलेंगे हम। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस खबर के जो जिम्मेदार है उनसे बात करें, लेकिन अभी ये खबर तो हमने दिखाई नहीं है, एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन पहले मैं पंकज जी के पास जाना चाहूंगा। पंकज झा, रोविंग एडिटर TV9 भारतवर्ष हमारे साथ हैं। पंकज जी, आप तो लगातार अतीक और अशरफ की जो हत्या हुई उसकी पूरी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, प्रयागराज में आप हैं। आप ये बताइए, क्या इस सीसीटीवी फुटेज ने एक बार फिर यूपी पुलिस की कार्यशैली पर और उनके इंटेलिजेंस पर बहुत बड़ा सवाल नहीं खड़ा कर दिया? देखिए, ये बहुत बड़ी लापरवाही है जो वीडियो में दिख रहे हैं सारे लोग। ये सभी असद के आधार कार्ड पर अशरफ से मिलने गए हुए थे। हाँ। और आपको बताऊं कि अशरफ का जो साला है सद्दाम, जो फरार चल रहा है, वो इसी जेल के सामने उसने किराए का मकान ले रखा था और वो फैसिलिटेट कराता था, जेल के कर्मियों से मिला हुआ था। इस पूरे मामले में 11 लोग जो हैं वो जेल जा चुके हैं, जेलर, जेल सुपरिटेंडेंट सब लोग सस्पेंड हो चुके हैं। ये यूपी पुलिस ने माना कि अगर पहले से उसे ये पता चल गया होता तो शायद 24 फरवरी की घटना नहीं हुई होती। ठीक है, आप पंकज जी मेरे साथ रहिए, लेकिन मेरे साथ क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस को कार्यशैली को समझने वाले दो बहुत अहम लोग बैठे हैं। विक्रम सर, आपसे शुरुआत करूंगा। विक्रम सर, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपको जेल मैनुअल से लेकर आपको पुलिस की कार्यशैली और इन अपराधियों का कैसा यहां पर मॉडस ऑपरेंडी होता है सब पता होता है। एक अपराधी जिसको लेकर इतने बड़े यहां पर सवाल उठ गए सर, उससे मिलने के लिए 9-9 लोग चले गए, जिसमें बम फेंकने वाला है, जिसमें शूटर है, जिसके जिसमें तमाम हिस्ट्री शीटर हैं, और उनको आराम से जेल में जाने दिया जा रहा है। विक्रम सर, गौरव जी, ये भयानक चूक है और मैं इसको चूक नहीं कहता हूं, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। और इस प्रकार का भ्रष्टाचार कैसे हो रहा था ये तो मैं खुद भी स्तब्ध हूं इसको देख करके। सर, अभी तो एक भ्रष्टाचार मैंने बताया नहीं आपको, मैं अभी बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा, एक भ्रष्टाचार मेरे हाथ में और है इसी से जुड़ा हुआ, लेकिन आप सर बताइए प्लीज। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, अगर जरा सा भी जेल प्रशासन, छोड़ दीजिए अगर जिला प्रशासन भी जरा सा भी चौकन्ना होता, क्योंकि अशरफ एक सामान्य अपराधी नहीं, अतीक से जुड़ा हुआ एक संगठित अपराधी था। और मुलाकात, 9-9 मुलाकात, आपने सीसीटीवी फुटेज दिखाई, किसी की भी कोई चेकिंग एज DGP या एज पुलिस ऑफिसर, मैं जब जाता था बाकायदा रजिस्टर साइन करता था, हाथ के ऊपर एक मोहर लगाई जाती थी चिन्हीकरण करके लिए, और उसके बाद एंट्री होती थी, वापसी में फिर वो होती थी। यहाँ एक ही आधार कार्ड के ऊपर 9-9 लोग घुसे जा रहे हैं जेल में, इसका मतलब पूरा रिश्वत का बोलबाला था और किसी तरह का कोई पुलिस वाले, जैन साहब पुलिस वाले वहां पर जैसे लग रहा है कारपेट बिछाकर उनका इंतजार कर रहे थे। एक पुलिसकर्मी उस वीडियो में दिख रहा है, दूसरे पुलिसकर्मी को इशारा कर रहा है जैसे वो आ गए, और फिर दूसरा पुलिसकर्मी उनको बाकायदा गेट पर रिसीव करता है, बिना किसी फ्रिस्किंग के, बिना किसी जांच के उनको अंदर ले जाता हुआ दिख रहा है। सर जैन साहब, TV9 को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा इतना इम्पोर्टेंट वीडियो पब्लिक के साथ शेयर करने में, और इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी, इन्वेस्टिगेशन में भी मदद मिलेगी। जैसा अभी सर ने कहा, ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, जो जेल प्रशासन है
वो लगता है बिल्कुल इनके इनकी उनकी मुट्ठी में था और ये मनमाने तरीके से सब कुछ कर रहे थे। आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये साजिश रची गई थी 12 तारीख को, इसीलिए सब आए थे। पूरी फाइनल डिटेल्स यहाँ पे वर्कआउट की गई होंगी कि किस तरीके से किसका क्या रोल रहेगा इसमें। तो जो जो एक जेल का कर्मी दिख रहा है वर्दीधारी, ये पता नहीं जेल गया कि नहीं गया, इन सब के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि एक सबक बाकी जेल प्रशासन को, जेल कर्मियों को, अफसरों को मिले उत्तर प्रदेश में। वो तो है ही जेल प्रशासन की भूमिका की जांच तो यहां पर होनी ही चाहिए। ये तीन लोग कौन है जो अभी तक सामने नहीं आ पाए? मैं एक बार पीसीआर से कहूंगा, पीसीआर एक बार फिर से वो वीडियो दिखाइए नंबरिंग वाला, एक बार फिर से अपने व्यूअर्स को बिग वॉल पर वो वीडियो दिखाते हैं नंबरिंग वाला, ध्यान से समझाते हैं, एक एक फ्रेम दिखाते हैं, फिर अपने पैनल के पास जाएंगे। और एक और खबर है, मैं उसके बाद दिखाऊंगा। ये जो खबर इस वक्त मेरे हाथ में है, ये देखिए, गुलाम हसन शूटर सबसे पहले 12 फरवरी को जो पहुंचा बरेली जेल, उसके बाद देखिए गुड्डू मुस्लिम बमबाज जो उसके साथ पहुंचा बरेली जेल, उसके बाद देखिए विजय चौधरी उर्फ उस्मान जो पहुंचता है वहां पर तीसरे नंबर पर, वो है असद अहमद को आप देखिए जो कि अतीक का बेटा है, ये पहुंचता है बरेली जेल 12 फरवरी को। फिर देखिए लाल हाफ जैकेट में जो शख्स असद के बाद आ रहा है, सवाल इसके बारे में, ये शख्स कौन है इसकी पहचान नहीं हो पाई है। उसके बाद देखिए अरमान जो कि गुड्डू मुस्लिम की बाइक चला रहा था और फरार बताया जा रहा है, यह भी वहां गया था बरेली जेल। उसके बाद देखिए सदाकत अली खान बोर्डिंग हॉस्टल का छात्र और उमेश पाल का मर्डर करने के लिए इसी के पास गए थे हथियारे, इसी के रुके थे, जेल में है यह जानकारी है। उसके बाद लाल टी शर्ट में यह शख्स कौन है इसकी पहचान नहीं हो पाई अभी तक। उसके बाद सफेद कोट में यह शख्स कौन है इसकी पहचान नहीं हो पाई अभी तक। तो ये तार क्या अशरफ और अतीक की हत्या से भी जुड़ते हैं? पुनीत, क्या जानकारी है इन तीन लोगों के बारे में? देखिए अभी तक इन तीनों के बारे में कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगी है क्योंकि पुलिस अभी इस पूरे मामले में बच रही है। चूंकि ये वीडियो भी हमने थोड़ी देर पहले करना शुरू किया है तो पुलिस भी अब हरकत में आ रही है। फिलहाल ये चीज साफ हो चुकी है कि ये जो 6 लोग हैं, ये लोग खासतौर से जो लोग शूटर्स सामने आ चुके हैं, जिनके नाम आ चुके हैं और जो 9 में से 6 की पहचान हुई है, ये लोग अतीक के इशारे पर अशरफ से मिलने जेल गए थे और अशरफ ने ही ये पूरी प्लानिंग को फाइनलाइज किया था कि इस हत्याकांड में किसका क्या रोल होगा। यहां पर एक और बात इंपॉर्टेंट बता दूं कि उमेश पाल की हत्या के लिए पेपर स्प्रे यानी मिर्ची पाउडर को भी अमेज़न के जरिए मंगवाया गया था और जो पता था जहां पर ये डिलीवर की जानी थी वो कोई और नहीं बल्कि चकिया का अतीक का घर ही था। कुल मिलाकर के ये बात साफ हो चुकी है। तमाम लोग सवाल उठा रहे थे कि अशरफ का इसमें डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन अशरफ ही वो मास्टरमाइंड है जिसने इस बिसात में किस प्यादे का कौन सा रोल होगा, कब कौन चाल चलेगा, उत्तर प्रदेश की बरेली जेल के ऊपर बहुत बड़े सवाल उठ गए हैं। लेकिन पीसीआर आप जरा वो दिखाइए जो मैं बहुत देर से दिखाना चाह रहा हूं, जरा इसको जूम कीजिए, वो विजुअल भी हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर देखिए, ये जो पेपर इस वक्त मेरे हाथ में है जरा इसको गौर से देखिए, ये है उत्तर प्रदेश का जेल मैनुअल, जरा ध्यान से देखिए इसको, ये उत्तर प्रदेश का जेल मैनुअल है 2022 में, जो जेल मैनुअल में संशोधन किए गए हैं ये वो है। अब देखिए ये जेल मैनुअल क्या कहता है, ये जेल मैनुअल ये कहता है कि कोई भी शख्स जेल में अगर छुट्टी है या रविवार है तो उस दिन किसी से भी मिलने नहीं जा सकता, चाहे वो ऑफिशियल हो या नॉन ऑफिशियल हो, वो केवल 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच हफ्ते में मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार, और अगर उस दिन भी अगर बीच में कोई जेल हॉलिडे है तो भी नहीं जा सकता। और आपको मालूम है 12 फरवरी को तारीख क्या थी विक्रम सर? 12 तारीख को तारीख क्या थी, गेस करना चाहेंगे सर आप? मैं बताता हूं सर, 12 फरवरी को दिन कौन सा था? 12 फरवरी को संडे था सर, संडे। जी हाँ, यूपी पुलिस का जेल मैनुअल कहता है कि आप संडे को किसी से मुलाकात नहीं कर सकते, और संडे एक नहीं दो नहीं 9-9 लोग अशरफ से मिलने जाते हैं। विक्रम सर, गौरव जी, ये बिल्कुल दूसरी बहुत बड़ी चूक है। इसका मतलब पूरी तरीके से कॉम्प्लिसिट, और इन 9 मुलाकातियों को मिलाने के लिए, जिसको मिलाई कहते हैं जेल की भाषा में, मिलाई में सारे नियम तार तार करके एक इनको सुविधा पहुंचाई गई जो कि सर्वथा अनुचित थी, नहीं होना चाहिए।
और सुविधा पहुंचाई क्यों गई, ये बिल्कुल है कि अपने भ्रष्टाचार के चलते न कोई तलाशी न कोई पूछताछ न ही कोई एंट्री और छुट्टी के दिन जो कि जेल मैनुअल ये, ये इससे ऊपर के सवाल है। मैं पूछूंगा आपसे एक बार, जरा बिग वॉल पर दिखा देते हैं, ये मैनुअल दिखा देते हैं और यहां पर ये विजुअल दिखा देते हैं। ये तस्वीरें देखिए, 12 फरवरी संडे था उस दिन जब उमेश पाल के हत्यारे अशरफ से मिलने गए थे। 9 लोग आते हैं एक एक करके, 3 लोग कौन है इसमें से पहचान नहीं हो पा रही, हालांकि इसमें गुड्डू मुस्लिम भी है जिसके बारे में अभी पता नहीं है। अब ये उत्तर प्रदेश का जेल मैनुअल है जो 2022 में जिसमें नए नियम आए और वो ये कहता है कि कोई भी शख्स अब जेल हॉलीडेज और संडेज को छोड़कर 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच मिल सकता है। वो मैनुअल मेरे हाथ में है, एक बार इसको जरा जूम इन कीजिए पीसीआर, जरा इसको जूम इन करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये मैनुअल मेरे हाथ में है, पेज नंबर 165 क्या कहता है, पेज नंबर 165 कहता है, मैं आपको ये पढ़ के सुना रहा हूं, जो कि कहता है अ पर्सन अदर देन An official or a non-official visitor may visit a jail if he has obtained the written permission of the state government or the director general, the district magistrate or the superintendent. Visits by such person may be made on any day between 11 a.m. to 3 p.m. except on jail holidays and Sundays. यानी यूपी सरकार का ये जो जेल मैनुअल है ये कहता है कि संडे को कोई भी किसी कैदी से मुलाकात नहीं कर सकता। और यहां पर 9 लोग 12 फरवरी को जिस दिन संडे था बरेली जेल जाते हैं और 12 दिन के बाद वही लोग उमेश पाल की हत्या कर देते हैं। जैन साहब, क्या इसमें आप केवल यही कह सकते हैं कि 2-3 पुलिस वाले या छोटे मोटे पुलिसकर्मी शामिल होंगे? जी नहीं, सीनियर सुपरिंटेंडेंट की इच्छा के बगैर, जेलर हैं, डिप्टी जेलर हैं, इन सब की इच्छा के बगैर जब तक कि उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक कोई नहीं मिल सकता है। ये कहने की बात है कि सिपाही ने मिलवा दिया, ये कतई संभव नहीं है। और मैं ये समझता हूँ इस समय सदाकत अभी भी जेल में है, कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में। अगर उसको ये दिखवाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा, तो वो इन सब के ऊपर एक रोशनी डाल सकता है कि ये 3 अपराधी कौन है, क्या है। ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी पूछ सकता है, इससे बहुत सा खुलासा होगा कि इन 3 व्यक्तियों का और क्या रोल था इसमें। अब ये सवाल देखिए, सवाल नंबर 1, उमेश पाल मर्डर की साजिश क्या बरेली जेल में रची गई, क्योंकि बरेली जेल 12 दिन पहले क्या करने गए थे ये हत्यारे। सवाल नंबर 2 आपके सामने, सवाल नंबर 2, हत्या करने वाले सारे लोग बरेली जेल में क्या अशरफ से मिले या कोई और भी था जिससे इनकी मुलाकात हुई। सवाल नंबर 3 यहां पर, आखिर वहां पर 24 फरवरी को हत्या का फाइनल प्लान क्या 12 फरवरी को बना, बरेली जेल में बना, इससे भी अहम एक सवाल है। ये देखिए, ये तो है ही बहुत बड़े सवाल, बड़े मौजू हैं, लेकिन सवाल नंबर 4 तो बहुत बड़ा है। ये 3 लोग जिनकी पहचान नहीं हो पाई, ये 3 लोग कौन हैं? और सवाल नंबर 5, क्या ये पुलिस के रडार पर है, क्या पुलिस इनको ढूंढ रही है? सवाल नंबर 6 भी है यहां पर, और वो भी बहुत बड़ा सवाल है। सवाल है कि अतीक अशरफ मर्डर से क्या इनका कोई कनेक्शन है इन 3 लोगों का? अब मैं पंकज जी आपके पास आऊंगा, पंकज जी को, कि आप लगातार अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी खबरें दे रहे हैं हमारे व्यूवर्स को। अतीक और अशरफ हत्याकांड में जो 3 लोग पकड़े गए, उसके अलावा 2 अज्ञात लोग भी एफआईआर में दर्ज हैं। पुलिस की एफआईआर कहती है कि 2 अज्ञात लोग और हैं, पुलिस लगातार इस मामले में छानबीन कर रही है। क्या ये माने कि अब पुलिस को इस एंगल से भी जांच करनी चाहिए कि ये जो 3 लोग हैं क्या इनका भी इसमें कोई कनेक्शन हो सकता है? पंकज जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है पंकज, जहां तक मेरी आवाज नहीं जा रही। पुनीत, यही सवाल मेरा आपसे, क्या अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़े कनेक्शन भी हो सकता है इन 3 लोगों का, क्योंकि पुलिस के एफआईआर में 2 अज्ञात लोगों के नाम भी दर्ज हैं उस मामले में? बिल्कुल साफ तौर पर अतीक और अतीक ने जिस तरीके से साजिश रची, और ये 9 लोग जो पहुंचे हैं, 6 की पहचान हुई है, लेकिन ये जो 3 हैं, इन 3ों का भी डायरेक्ट लिंक कहीं ना कहीं जरूर होगा, क्योंकि रविवार के दिन जिस तरीके से ये लोग मिलाई करने के लिए पहुंचे हैं, जब जेल मैनुअल के हिसाब से मिलाई नहीं कर सकते, तो जाहिर तौर पर ये लोग अशरफ से मिले और अशरफ ने ही दिशा निर्देश दिया। लेकिन इन 3 लोगों का रोल क्या था, ये अभी तक पता नहीं लग पाया। क्या सवाल जो आपने पूछे, इसमें एक ये भी बड़ा
सवाल है कि क्या पुलिस को इन तीनों के बारे में कोई जानकारी है या नहीं, या हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखने के बाद ये जो चेहरे बेनकाब हुए सीसीटीवी के जरिए जो हम पहली बार टीवी 9 भारतवर्ष के दर्शकों के सामने लेकर आए, अब पुलिस तक इनके चेहरे पहुंचेंगे और पुलिस अब पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या ये तीनों लोग भी शामिल थे हत्याकांड में या नहीं। लेकिन जिस तरीके से वीडियो दिख रहा है, सीसीटीवी दिख रहा है, ये बात साफ है कि जो 6 लोग इस हत्याकांड में डायरेक्ट शामिल थे, जो लोग मौका वारदात पर थे, जिन लोगों ने गोलियां चलाई, उनके साथ जो 3 लोग और जेल में मिलने गए हैं, तो उनका भी डायरेक्ट लिंक इस हत्याकांड से और जरूर है। मैं पंकज जी को बुलाना चाहूंगा। पंकज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। पंकज जी, ये बताइए, क्या उत्तर प्रदेश शासन को अब यहां पर एक बड़ा एक्शन लेते हुए क्या बरेली जेल प्रशासन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए इस वीडियो के आने के बाद? देखिए, इससे पहले कार्रवाई हो चुकी है। जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि उस वक्त जो डीजी जेल थे आनंद कुमार, उनको हटाया गया। जो जेलर, सुपरिटेंडेंट, इन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। कुल 11 लोग जेल भेज दिए गए हैं। सरकार को पता लगा कि कितनी बड़ी चूक हुई है। और एक चीज मैं और भी बताना चाह रहा हूँ कि जो सदाकत इस तस्वीरों में दिख रहा है सीसीटीवी फुटेज में, वो जेल में बंद है, तो क्या उससे पूछताछ करके बाद बाकी जो 3 लोग हैं उनकी पहचान नहीं की गई होगी? मुझे लगता है जांच में भी कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की लापरवाही सामने दिख रही है। सवाल यहाँ पर है कि यूपी पुलिस के पास ये फुटेज होने के बावजूद क्या यूपी पुलिस के पास ये फुटेज है या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, यूपी पुलिस इस फुटेज के आधार पर क्या कार्रवाई कर रही है? विक्रम सर, अगर आप होते हैं इस वक्त तो आप क्या कहते अपनी पुलिस से इस फुटेज के बाद आने के बाद? गौरव जी, पहले तो ये इन्वेस्टिगेशन ऐसा नहीं है कि जिसको हम कालांतर में करें। ये मिनट टू मिनट इन्वेस्टिगेशन है, बिना अनवरत रूप से एक सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस मिनट टू मिनट। जैसे ये अगर वीडियो फुटेज आई तो सदाकत से पूछताछ करके ये 3 कौन है इनको बताएं, और भी इनको जो पहचानने वाले हैं इनकी फोटो सार्वजनिक करके इनके मोहल्ले गली में अतीत के जो गैंग मेंबर्स उनको दिखा करके पूछते ये 3 आदमी कौन है। और अब तक मुझे विश्वास है कि यूपी की पुलिस की एसआईटी ने पता लगा लिया होगा ये 3 चिन्हित व्यक्ति कौन है। और यही चिन्हित ही नहीं, इनकी जन्म कुंडली भी निकाल ली होगी कि ये कितने क्राइम में है और क्या इनकी जरिया आमदनी है और क्या गतिविधियां हैं। निश्चित रहिए कि लेकिन एक सवाल तो यहाँ पर बनता है, और वो सवाल यहाँ पर ये बनता है जैन साहब कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस के ने इस पूरे मामले में लापरवाही बरती, और लापरवाही से ऊपर जाकर जैसा कि पंकज कह रहे हैं कार्रवाई भी हो चुकी है, क्या इस पूरे मामले में एक बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर उन कुछ ऐसे लोग हैं जो शासन के अंदर जेल पुलिस के अंदर बैठे हैं जो उन लोगों की मदद कर रहे थे? आपने पढ़ा ही होगा कि कई पुलिसकर्मी प्रयागराज से हटाए गए, जिनके लिंक्स बताए गए, चित्रकूट का आपको पता ही है जो मुख्तार अंसारी के बेटे को किस प्रकार वहां पे फेवर्स दिए जा रहे थे, बरेली जेल का आ ही रहा है, ये इन सब के खिलाफ एक्शन हो रहा है। और मैं समझता हूं जैसा सर ने अभी कहा कि अब तक जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है पूरी एसआईटी बनी हुई है, उन्होंने पता लगा लिया होगा कि ये 3 चेहरे कौन है और इनकी क्या भूमिका थी। मेरा ये मानना है कि इनकी भूमिका तीनों की अतीक और अशरफ के मर्डर से रिलेटेड नहीं होगी, ये इसी में बैकअप में होंगे या वहीं आसपास रहे होंगे, या इन्होंने वेपन सप्लाई करने में, बम वगैरह सप्लाई करने में और मैन पावर सप्लाई करने में इनकी भूमिका रही होगी, वो अब तक पता लगा लिया गया होगा। और बहुत जरूरी है लेकिन सर देखिए, अभी जो हम बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि बरेली जेल प्रशासन पर कार्रवाई हुई है, वो कार्रवाई हुई है अशरफ को नियमों के परे जाकर सुविधाएं देने में, वो कार्रवाई हुई है अशरफ को तमाम तरह की चीजें मुहैया कराने में, अब ये जो वीडियो आया है इसके बाद क्या होना चाहिए? एक्शन होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि उनके ऊपर किस-किस कार्रवाई, क्या कार्रवाई मेंशन की गई है, किस तरीके का एक्शन हुआ है, पर ये जो वीडियो है कि आपने जैसा कहा कि संडे के दिन 9 लोग एक आधार कार्ड पे मिल रहे हैं, ये जो है ये पराकाष्ठा है बिल्कुल भ्रष्टाचार की, और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और जो सस्पेंशन हुए हैं, मुकदमे कायम हुए हैं, उसमें ये बिंदु है सम्मिलित कि नहीं है, तो फर्दर कार्रवाई हो सकती है। विक्रम सर, आपको क्या लगता है क्या कार्रवाई होनी चाहिए अब यहाँ पर? इसको लेकर के एक अलग से अपराध पंजीकृत होना चाहिए और विभागीय कार्रवाई में चार्जशीट का एक अलग से बिंदु होना चाहिए, क्योंकि जो साक्ष्य आया है वो अकाट्य है, और इसके आधार पे अलग से अपराध और अलग से विभागीय कार्रवाई दोनों एक साथ प्रतीत होनी चाहिए, जिसमें डिसमिसल भी होना चाहिए उन सभी कर्मियों का जो भी वहां पे थे। मैं कहूंगा जेल सुपरिंटेंडेंट से लेकर नीचे तक जो भी ये कांस्टेबल थे सबका डिसमिसल कम
कम से कम डिसमिसल, इतनी मेरी संस्तुति हो। जेलर डिप्टी जेलर इन सब को पहले निलंबित किया जा चुका है, जो जेल अधीक्षक है उन राजीव शुक्ला को भी निलंबित किया जा चुके हैं। लेकिन ये निलंबन की बात नहीं, मैं सेवा मुक्त की बात कर रहा हूँ। डिसमिसल सस्पेंशन तो बड़ी हल्की चीज है। अशरफ की इस तरह से मदद की जा रही है, पूरे जेल प्रशासन को बर्खास्त कर देना चाहिए, बरेली के जेल प्रशासन को। इस वक्त जेल सुपरिंटेंडेंट, जेलर, डिप्टी जेलर और ये जो सिपाही थे, इनका डिसमिसल तुरंत होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश का के जो का जो जेल कारागार जो विभाग है वो इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। विनय, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। विनय, ये जो वीडियो आप लेकर आए ये बहुत चौंकाने वाला है, बहुत बड़े सवाल खड़े करने वाला है। क्या इसके बाद कुछ हलचल दिखती है वहां पर इसको लेकर? जी बिल्कुल, फिलहाल जैसे ही टीवी 9 भारतवर्ष ने इसको जैसे ही टेलीकास्ट किया तो यहाँ पर आला अफसर जो है वो हरकत में आ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से SIT भी इसमें जांच कर रही है, लेकिन जो तीन लोग आइडेंटिफाई नहीं हुए, तो वैसे ही उमेश पाल 24 फरवरी को जब हत्याकांड हुआ था तो उस CCTV में एक अन आइडेंटिफाई जो शूटर है वो भी नजर आया था। तो क्या ये वही शूटर तो नहीं जो तीनों में जो CCTV में जो दिख रहे हैं जेल के अंदर जाते हुए? हालांकि पुलिस अभी इसमें जाँच करेगी, लेकिन कितनी इसकी पुलिस की जाँच में अभी अहम क्लू हाथ लगे हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जो विवेचनाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं सुस्त दिख रही है, लापरवाही की जो प्रकाष्ठा है वो एकदम से पार दिख रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को जागने की जरूरत है। ज्यादा बड़े सवाल यहां पर है, लापरवाही तो तब होती है जब अनजाने में कुछ हो जाए, जब जानबूझकर किया जाए तो वो लापरवाही नहीं होती, और ऐसा लगता है कि यहाँ लापरवाही से बड़ा कुछ हुआ है जो जिसकी जांच होनी चाहिए। एक बार फिर से मैं वो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, वो तस्वीर देखिए आप। आज TV9 भारतवर्ष आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा है जो अभी तक आपने कहीं नहीं देखा। अतीक और अशरफ कांड से जुड़ा ये सबसे नया वीडियो जो आपके सामने हम लेकर आए हैं, सबसे बड़ा एक अहम खुलासा करने वाला ये वीडियो। टीवी पर पहली बार देखिए अतीक कांड से जुड़ा वीडियो, जिसमें साजिश से जुड़े 9 किरदार आपको दिखेंगे। 6 को आप पहचान लेंगे लेकिन 3 किरदार अनजान हैं। वो लोग कौन हैं, कहां से आए ये लोग, और ये लोग क्या अभी पुलिस की रडार पर हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं है? उस्मान, गुड्डू मुस्लिम के बाद आप देखिए उस गुलाम, फिर गुड्डू मुस्लिम, फिर उस्मान, फिर असद आपको दिखेगा इस वीडियो में। ये देखिए, ये है असद जो कि अतीक का बेटा है। 12 फरवरी ये भी पहुंचा था अशरफ से मिलने, लाल हाफ जैकेट में इसके पीछे जो शख्स आ रहा है इसकी पहचान नहीं हुई है, ये शख्स कौन है? उसके बाद आप देखिए अब जो शख्स आएगा वो है अरमान, जो कि गुड्डू मुस्लिम की बाइक चला रहा था, ये शूटर भी वहां पर था, फरार है अभी। इसके अलावा सदाकत, जिसके यहां ये शूटर रुके थे बोर्डिंग, जिसके हॉस्टल में, वो इस वक्त पुलिस के गिरफ्त में है। इसके बाद 2 और लोग आएंगे, एक आएगा लाल टी शर्ट में शख्स, ये कौन है इसकी पहचान नहीं हुई है, और सफेद कोट या सफेद जैकेट पहने जो शख्स आ रहा है इसकी पहचान नहीं हुई है, ये शख्स कौन है? तो इन 3 लोगों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, और क्या इनके तार जुड़ सकते हैं अतीक और अशरफ की हत्या से भी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या पंकज अब इस पूरे एंगल पर भी पुलिस को जांच करनी चाहिए? जी हाँ बिल्कुल, पुलिस को बिल्कुल जांच करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है जो अभी सब लोग कह रहे थे कि AK जैन कह रहे थे और विक्रम सिंह साहब कह रहे थे कि पुलिस ने कुंडली खंगाल ली होगी, तो भाई जिनकी जिनके बारे में पता चल रहा है, जैसे शाइस्ता के बारे में पता चला, जैनब के बारे में पता चला, तो उन सबको आरोपी बनाया जा रहा है, उन सबको पुलिस ढूंढ रही है। तो सवाल ये है कि इस वीडियो में जो 3 जिनके बारे में पता नहीं चला है तो उनके बारे में भी तो पुलिस को ये कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनको एक्यूज बनाना चाहिए था। ये भी जो कहा जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम बिट्रे कर सकता है, वो कहीं ना कहीं लीक कर रहा है अतीक के बारे में जानकारी, असद के बारे में जानकारी, तो क्या इस एंगल से भी पुलिस ने जाँच की है? तो ये 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पुनीत, तो जैसा शाइस्ता पर आपने 25,000 का नाम रखा, फिर 50,000 का नाम रख दिया, गुड्डू मुस्लिम पर आपने लाखों रुपए का इनाम रख दिया, तो इन तीनों के बारे में भी आप बताइए ना पब्लिक पे, इनाम घोषित कीजिए ताकि किसी को पता चले तो आपको इन्फॉर्मेशन दे। इसका मतलब है कि पुलिस अभी इनके बारे में कुछ पता लगा नहीं पाई है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर पुलिस के सामने अभी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, और जिस तरीके से शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि को बढ़ाकर 50,000 से अब 1,00,000 रुपए करने की तैयारी कर दी गई है, लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है कि आखिर 3 लोग क्या है और इन तीनों का इस पूरे मर्डर केस में रोल क्या है, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि ये जो बाकी के 6 लोग हैं ये लोग डायरेक्ट स्पॉट पर मौजूद थे, कोई गोली चला रहा था तो कोई बम चला रहा था और कोई ड्राइविंग सीट पर बैठा था और उसने पीछे से भाग करके गोली चलाई, लेकिन इन तीनों का रोल क्या था, क्या
चेकअप में, और इसीलिए पहले 9 लोगों के नाम FIR में जोड़े जाते हैं, फिर नामों को बढ़ाया जाता है, लेकिन अभी भी उसमें अज्ञात के नाम पर जो है कुछ लोगों के नाम दर्ज किए पुलिस ने। तो क्या इनके नाम अज्ञात में है या अभी तक ये पुलिस को इन तीनों चेहरे के बारे में कोई भी इल्म नहीं है? और अब ये CCTV फुटेज हमारे चैनल पर पहली बार देखने के बाद अब इन्वेस्टिगेशन का दायरा और बढ़ेगा। लेकिन एक बात गौरव बढ़ता है, लेकिन कुछ सवाल अभी तो प्रयागराज में ही है। प्रयागराज में कुछ पुलिसकर्मी हैं, उमेश पाल की हत्या हो गई, उस थाने के ऊपर क्या कार्रवाई हुई अभी तक कुछ पता नहीं है। वहां क्या कार्रवाई हुई पुलिस की तरफ से, कोई कार्रवाई हुई पुनीत? देखिए अभी तक जो सबसे बड़ी बात है कि एक थाने का कप्तान उसका SHO होता है, राजेश मौर्य धूमनगंज थाने का इंस्पेक्टर है। जिस वक्त इस पूरे बम कांड को, गोली कांड को अंजाम दिया गया, उमेश पाल की हत्या की गई, तो उम्मीद की जा रही थी कि 24 घंटे 48 घंटे में SHO को सस्पेंड कर दिया जाएगा, कम से कम ये पनिशमेंट उसको मिलेगी, क्योंकि लापरवाही हुई है। उसके इलाके में सरेआम गोलियां चली, बम चले, और हत्यारे आराम से हत्या करने के बाद फरार हो गए, जबकि हत्या करने के बाद वो चकिया इलाके में जाते हैं, रुकते हैं और 8 बजे के बाद में निकलते हैं, लेकिन पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई कई घंटे बाद भी। उम्मीद की जा रही थी कि सस्पेंड होगा SHO, लेकिन आज इतना वक्त बीत जाने के बावजूद SHO पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। यही सवाल है, यही सवाल है। देखिए को करते हैं विक्रम सर, पुलिस का इकबाल, पुलिस का जो शासन दंड से चलता है, और पुलिस उस दंड को कहीं ना कहीं, पुलिस कहीं ना कहीं पुलिस अपने इकबाल से उस शासन को चलवाती है, एग्जीक्यूट करवाती है सर। वो इकबाल चैलेंज हुआ है, पहले उमेश पाल हत्याकांड, फिर अतीक और अशरफ का हत्याकांड, और यहां पर जितनी भी कार्रवाई हुई, चाहे बरेली में आपने जेलर को सस्पेंड कर दिया, आपने 5 पुलिसकर्मी प्रयागराज में सस्पेंड कर दिए, क्या उससे आप पुलिस के इकबाल को बचा पा रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल बचा पा रहे हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि उसके बाद जो पुलिस के फॉलो अप एक्शन हुआ, जो प्रोएक्टिव काम उसके बाद हुआ, रही बात मौर्य जो SHO उसके सस्पेंशन की बात हो रही है, इसका परिमाण फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब उस स्टेज पे ये देखा जाता है कि वाकई ये उत्तरदायी है, तो इसमें कोई प्रमाद नहीं होगा, क्योंकि बिना, आपने खुद ही कहा, बिना दंड के राज्य अधिकार नहीं चलता है, और दंड उतना ही आवश्यक है बल्कि ज्यादा आवश्यक है अलंकरण से और पुरस्कार से, लेकिन उसका समय निर्धारित होना चाहिए, किससे उसकी टाइमिंग होनी चाहिए, जिससे कि, क्योंकि जब आप उसको चार्जशीट दें तो आपके पास पूरे तथ्य होने चाहिए, ये कार्रवाई हुई और आपने ये नहीं किया। लेकिन पुलिस कमिश्नर एक बहुत ही जिम्मेदार स्तर होता है, वो कोई भी चीज बाय डिफॉल्ट नहीं होती है, वो हर चीज उनके संज्ञान में है, और देश काल परिस्थिति का मूल्यांकन करने पे तब निलंबन होगा। निलंबन में कोई प्रमाद नहीं, निलंबन तो आज चाहे तो आधे थाना दिख चुका हो सकता है, लेकिन वो औचित्यपूर्ण होना चाहिए, नियमानुसार होना चाहिए। ठीक है पुनीत, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए मेरा सवाल यहाँ पर एक और DGP साहब से यह है कि कहा जाता है कि अगर इलाके में एक कांस्टेबल सिर्फ डंडा लेकर के खड़ा है तो वहां से गुजरने वाला कोई भी आपराधिक किस्म का व्यक्ति अपना रास्ता बदल लेता है, लेकिन यहाँ पर SHO राजेश मौर्य के इलाके धूमनगंज की बात की जाए तो पर्सनल नाम क्यों ले रहे हैं, पर्सनल नहीं चलते हैं, और उसके अलावा जो जिम्मेदारी कप्तान के ऊपर है, यहाँ पर एक और चीज कहना चाहूंगा कि जो कप्तान यानी कि यहाँ के जो कमिश्नर है उनके ऊपर भी क्या शासन की तरफ से कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि निहायत ही ईमानदार और उत्कृष्ट स्तर के अधिकारी हैं। SIT में भानु भास्कर हैं, जो ADG कानपुर जोन थे, अब ADG इलाहाबाद जोन है, एक आउटस्टैंडिंग ऑफिसर हैं। ऐसा नहीं है, देखिए अगर हर किसी को आप सस्पेंड ही कर देंगे तो फिर इन्वेस्टिगेशन क्यों, कौन करेगा? नहीं, और लेकिन चलिए मैं उस बात को आपकी मानता हूं। जैन सर मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल यह है कि लेकिन एक बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर केवल अतीक और अशरफ के हत्याकांड से ही जुड़ा है सर। देखिए दो दिन वो हत्यारे प्रयागराज में रहकर चले गए, वो होटल का नंबर आ गया, कमरा नंबर 203 वहां रुक के चले गए। उसके अलावा आप देखिए किस तरह से यहां पर 12 दिन पहले एक बड़ी मूवमेंट हो रही है, और वो जो प्रयागराज से जिनका संबंध है वो सारे हत्यारे बरेली चल के जा रहे हैं सर। LIU नाम की कोई चीज होती है, पुलिस की इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज होती है, वो तो पूरी तरह से ध्वस्त दिखती है यहाँ पर। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि एक चूक थी, UP पुलिस को ये गलतफहमी थी कि इतनी सख्त कार्रवाइयां चल रही हैं अतीक के खिलाफ, 1000 करोड़ से ऊपर की संपत्तियों को की जब्तीकरण हो चुकी है, इसलिए ये इस प्रकार की कोई हिमाकत नहीं करेगा, पर इसने फिर भी की। और ये जो दूसरी घटना हुई पुलिस कस्टडी में, ये भी एक हिमाकत है इन तीन नए अपराधियों की।
इनके इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी एक चूक मैं मानता हूं, ये दोनों चूक हैं जिसका खामियाजा आज की तारीख में प्रयागराज। एक बार फिर से वो वीडियो चला के दिखा देते हैं अपने व्यूअर्स को, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हों, एक बार फिर से वो वीडियो देख लीजिए। एक एक फ्रेम के जरिए आपको वीडियो समझा देते हैं, फिर मैं आता हूं आप सभी लोगों के पास। आखिर ये मामला क्या है ये समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सनसनीखेज वीडियो, बहुत चौंकाने वाला वीडियो, बहुत बड़े सवाल खड़े करने वाला वीडियो। ये देखिए, ये वीडियो है 12 फरवरी का बरेली जेल का, जहां पर कुछ लोग जा रहे हैं जेल के अंदर। दरअसल ये उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स हैं। गुलाम हसन को आप देख रहे हैं जो काली जैकेट पहने चश्मा लगाए सबसे आगे दिख रहा है। उसके बाद गुड्डू मुस्लिम को आप देख रहे हैं जो कि बम फेंकता उमेश पाल की हत्या के दिन नजर आया था। उसके बाद आप देखिए तीसरे नंबर पर उस्मान आपको दिख रहा है, जो उस दिन शूट करते नजर आया था, शूटर था और इसको एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया। असद अहमद जो कि अतीक का बेटा, ये आपको दिख रहा है, ये उस दिन सीसीटीवी फुटेज में नजर आया था, ये भी पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया झांसी में। गुलाम भी असद के साथ उसी दिन झांसी में मारा गया। तीन लोग इसमें ऐसे हैं जिनके बारे में अभी पहचान नहीं हो पा रही है कि ये लोग कौन है, ये लोग कहां से आए। गुड्डू मुस्लिम फरार है अभी तक, इसके बारे में पुलिस को तमाम तरह की जानकारियां मिलती हैं, यहां देखा गया, वहां देखा गया, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ा नहीं है। उस्मान को पुलिस ने सबसे पहले ढेर किया था एनकाउंटर में। असद अहमद अतीक का बेटा, ये भी एनकाउंटर में मारा गया था झांसी में। ये दो तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, ये दो तस्वीरें देखिए, 12 फरवरी बरेली जेल की, 24 फरवरी प्रयागराज की सड़कों की। दिन दहाड़े जहां उमेश पाल के घर के पास उनको गोली मार दी गई थी, बम फेंके गए थे उनके ऊपर। ये देखिए, इसमें हर वो शख्स जो उस दिन दिखा था 24 फरवरी को, वो 12 तारीख की इस फुटेज में भी दिख रहा है। अब सवाल यही है विक्रम सर, क्या ये माने, अब तो ये फुटेज दोनों देखिए सर, राइटिंग ऑन द वॉल है ये, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो अब साफ दिख रहा है सर कि ये पूरी साजिश बरेली जेल में रची गई। संदेह गौरव जी, अब तो किसी तरह के कोई शको शुबा की गुंजाइश नहीं है। आपके 6 व्यक्ति जिनको आपने नामित किया, मैं नाम दोबारा नहीं दोहराऊंगा, ये 6 वहां 24 फरवरी की शूटआउट में थे, उसमें से कुछ गिरफ्तार हैं, कुछ एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह की बात नहीं। और ये 3 जिनके बारे में संदेह और सर एक जानकारी और आ रही है, सर एक जानकारी और आ रही है, 2 से 2.25 घंटे, 11 से 3 के बीच ये मुलाकात हुई है, 2.25 घंटे ये लोग जेल में रहे हैं। क्या ये संभव है 9 लोगों का संडे के दिन, जिस दिन किसी का मिलना वहां पर मान्य नहीं है, जो मिल नहीं सकते, उसी दिन 2.25 घंटे ये लोग वहां रहकर आए हों और किसी को पता ना हो, नियमों के बिल्कुल विपरीत, और ये एक षड्यंत्र के तहत और अपराधियों को मदद करने की नियत और उद्देश्य से पूरी तरीके से ये षड्यंत्र वहां रचा गया है। और ये 3 अगर 6 उस षड्यंत्र में शामिल थे तो ये 3 बाहरी व्यक्ति नहीं है, ये भी अंदर के ही हैं, इसी षड्यंत्र में शामिल है, क्योंकि षड्यंत्र में शामिल ना होते तो हत्या के साजिश में बाहरी व्यक्ति नहीं रहता है, वही होता है जो हत्या में शामिल होता है, तो ये 3 भी इसी में शामिल थे। अब इनका चिन्हीकरण, मुझे पूरा विश्वास है कि सदाकत और अन्य के जरिए पुलिस ने अपनी सुरागरसी से इनको चिन्हित कर लिया होगा और अपनी कार्रवाई कर रहे होंगे। एक क्योंकि इस पूरे मामले में एक एंगल और है विक्रम सर, मैं जाता हूं उसमें भी आप बात करिए। एक एंगल ये है, जैसे पंकज भी बता रहे थे अभी, कि गुड्डू मुस्लिम ने हो सकता है दगाबाजी की है, गुड्डू मुस्लिम ने यहां पर बेट्रेल किया है, गद्दारी की है। उस दिन भी अशरफ जब बोल रहा था, जिस दिन उसकी हत्या कर दी गई, उस दिन वो गुड्डू मुस्लिम का नाम ले रहा था, लेकिन उसके आगे वो कुछ बोल नहीं सका। तो क्या ये जो 3 लोग हैं, इनका भी कोई कनेक्शन अतीक और अशरफ की हत्या से हो सकता है? लाइकली नहीं है, क्योंकि जब ये गए थे तो फोकस पे 24 की घटना थी, 24 की घटना की अगर तैयारी 6 लोग कर रहे थे तो जाहिर है कि ये 3 जो बाकी 6 से जो कि अभी अज्ञात हैं, वो भी उसी 24 की घटना के लिए गए थे। लेकिन उस घटनाक्रम के बाद, 24 के बाद, हमें लगता है कि आंतरिक समीकरण में कुछ खींचातानी हुई, और गैंग में अक्सर ऐसा होता है कि विरोध और आपस में पारस्परिक मनमुटाव हो जाता है। मनमुटाव के बाद क्या डायनेमिक्स बदलती है गैंग की, फिर उसमें आपस में इस पर निर्भर करता है। गुड्डू मुस्लिम के बारे में शोहरत आम यही है कि उसके पास ऐसी संवेदनशील जानकारियां हैं, और उसके बारे में ये भी सूचना है कि वो इनकी मुखालफत करने लगा, और डायनेमिक्स बाद में डकैत गिरोहों में भी यही होता था, अन्य ऐसे अपराधी गिरोह में होता था कि जब माल ज्यादा हाथ आने की बात आती थी तो आंतरिक खींचातानी में इस प्रकार के पार्टीशन और इस प्रकार के मतभेद सामने आते थे, उसके हिसाब से लोग अपना काम करते थे। ठीक है, अब समय क्योंकि कम है, जल्दी से सबके पास जाते हैं, पहले जैन साहब आपके पास आता हूं। जैन साहब, एक सिलसिलेवार तरीके से खाका खींच दीजिए हमारे व्यूअर्स के सामने कि अब यहां से आगे क्या होना चाहिए। देखिए, ये तो एसआईटी बनी हुई है, जुडिशियल कमीशन भी फॉर्म्ड है, सब कार्रवाइयां इस पे चल रही हैं। कहां पे गए पहले साबरमती जेल से, व्हाट्सएप चैट से कैसे अप्रूवल लिया गया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अप्रूवल इसका अतीक नहीं दिया होगा। उसके बाद फाइनल डिटेल्स
ये बरेली जेल में चॉकआउट हुई होगी और अशरफ को टास्क दिया गया होगा कि आप सबका जो है रोल निर्धारित करें और उसको तय करें कि किस तरीके से इसको अंजाम दिया जाना है। जो आपने कहा कि ये तीन व्यक्ति जो पीछे दिख रहे हैं ये कौन है, इनका चिन्हीकरण नितांत आवश्यक है, क्योंकि मेरा भी मानना है कि जब इस प्रकार का दो गनर भी जिसमें मारे जाते हैं उसमें पूरी तैयारी रहती है, पूरा बैकअप रहता है, हो सकता है वो बैकअप में हो सकता है कि वो गाड़ी चलाने में, वाहन उपलब्ध कराने में, वेपन उपलब्ध कराने में और मदद करने में उपलब्ध रहे हों वहां पर मौके पे, उनका चिन्हीकरण भी होना चाहिए। और जैसा सर ने कहा, जब मर्डर की प्लानिंग होती है तो कोई बाहरी व्यक्ति उसमें सम्मिलित नहीं होता है, ये 12 के ये 9 के 9 उसमें सम्मिलित रहे होंगे, ये हो नहीं सकता कि वो बाहरी व्यक्तियों को लेकर अंदर 2.25 घंटे बैठे और वो भी पूरे राजदार बन जाएं पूरे घटनाक्रम के, ये संभव नहीं है। ये बहुत करीबी कोई लोग हैं और इनका भी इन्वॉल्वमेंट निकल कर आएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रयागराज की पुलिस SIT इनके इन्वॉल्वमेंट को खोज निकालेगी। मैं पंकज आगे पास जाना चाहूंगा, ठीक बात कर रहे हैं सर आप, लेकिन पंकज क्या इस पूरे मामले में एक और बड़ा सवाल नहीं खड़ा होता है, एक और ब्रॉडर क्वेश्चन, क्या आप किसी को चाहे जिला से दूसरी जेल भेज दीजिए, चाहे राज्य से दूसरी जेल भेज दीजिए, जेलों में जो अपराध का, जो जरायम का, जो पूरा एक हेडक्वार्टर टाइप का चल रहा है, वहाँ आप जेल में बैठकर देखिए, लोग जो उमेश पाल के हत्यारे हैं वो तो जेल के अंदर तक पहुंच गए, जेलों के ऊपर उनकी सुरक्षा पर और उनकी कार्यशैली पर कितने बड़े सवाल खड़े करती है ये फुटेज। देखिए पहले तो हालात बहुत बदले हुए थे, हमने अपनी रिपोर्टिंग के सिलसिले में देखा है कि जेल के अंदर में बिहार से लेकर यूपी तक क्या क्या होता था। हाँ। लेकिन अभी हाल की जो दो घटनाएं हुई, एक जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, देखिए साबरमती जेल में रहते हुए भी अतीक फोन से बातें करता था, वो भी मुलाकातें करता था। हाँ। मुख्तार अंसारी के बेटे के मामले में भी हुआ है, लेकिन इन सारे मामलों में कार्रवाइयां हुई है और बहुत कठोर कार्रवाई हुई है, ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जेलों के हालात पहले से बेहतर होंगे।